दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी खेल सकती है मास्टर स्ट्रोक। देश में लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता कानून। एक और संकल्प पूरा करने की ओर बढ़ रही है मोदी सरकार। देशव्यापी कानून बनाने में मददगार बनेगा उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट। नेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन पहुंचे हैं उत्तराखंड सदन। यूसीसी कमेटी के साथ कॉमन सिविल कोर्ट पर मंथन होगा। यूसीसी के ड्राफ्ट फाइनल स्टेज में 30 जून को सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। अहम बिंदुओं को नेशनल लॉ चेयरमैन से साझा किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, चुनाव में वक्त है पर चुनाव की तैयारियां अभी से ही चल रही हैं और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में बीजेपी अब है। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने सीएए, राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक को लेकर फैसला किया है, उसके बाद अब एक कदम और बढ़ाने जा रही है और ये संकल्प है उसका कि नागरिक संहिता को लागू करना। इसको लेकर उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट उसका मददगार बन सकता है। इसको लेकर नेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं। यहां पे यूसीसी कमेटी के चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई और अन्य मेंबर्स हैं जिनके साथ एक घंटे से करीब बैठक चले। चर्चा ये है कि उत्तराखंड का जो यूसीसी ड्राफ्ट है उसके अहम बिंदुओं को नेशनल लॉ में शामिल किया जाएगा और ये लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार देशव्यापी ये कानून लागू कर सकती है। इसके लिए उत्तराखंड का कानून मददगार बन सकता है। क्यों? उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट काफी दिनों से मंथन करके तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर कई कमेटी ने जो है वहां पे बैठकें की, उत्तराखंड में लोगों के सुझाव लिए, हर वर्ग के लोगों का सुझाव लिया, राजनीतिक दलों का भी सुझाव लिया, तो जितनी भी आपत्तियां थी वो वहां पे निस्तारण कर दी गई और यूसीसी ड्राफ्ट लगभग उत्तराखंड का लगभग बनकर तैयार है। और ये संभावना इसलिए प्रबल है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार सार्वजनिक मंच पे कह चुके हैं कि उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट देश के लिए नजीर बनेगा। ऐसे में प्रबल आशंका है कि जो देशव्यापी समान नागरिकता संहिता कानून बनेगा उसमें यूसीसी जो ड्राफ्ट है उत्तराखंड का वो मददगार साबित होगा। और इसका आज इस बात की पुष्टि इसलिए भी हो रही है क्योंकि नेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी उत्तराखंड सदन पहुंचे और करीब एक घंटे से बैठक चल रही है। यूसीसी के जितने मेंबर्स हैं सभी मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर बाद जो यूसीसी की चेयरमैन हैं और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रही रंजना प्रकाश देसाई वो अभी मीडिया को भी संबोधित करेंगी कि ड्राफ्ट को लेकर अभी कमेटी किस स्तर पर पहुंची है और कितने दिन में उत्तराखंड सरकार को यह ड्राफ्ट सौंप देगी। और वही नेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी इस ड्राफ्ट से कौन से अहम मुद्दों पर बात करते हैं, कौन कौन से बिंदु उनको देशव्यापी जो कानून बनेगा समान नागरिक संहिता उसके लिए आवश्यक समझते हैं, ये अभी बात की बात होगी। लेकिन ये संदेश साफ है, ये मैसेज साफ है कि देशव्यापी कानून समान नागरिक संहिता का लागू हो सकता है क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मसलों में जताई है कि देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इसको लेकर केंद्र सरकार कदम भी बढ़ा चुकी। पहले जो नेशनल लॉ कमीशन के जो कमेटी थी उस पे कुछ काम किया गया लेकिन वो कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया। नई नेशनल लॉ कमीशन बनी है उसकी कमेटी है, उसमें ऋतुराज अवस्थी चेयरमैन बनाए गए हैं, वो आज मुलाकात कर रहे हैं और करीब एक घंटे से ज्यादा वक्त लगभग बीत चुका है, उनकी चर्चा जारी है और कुछ देर में अभी मीडिया को यूसीसी कमेटी की चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई संबोधित करेंगे, इसके बाद कुछ स्थिति साफ हो सकेगी। समान नागरिक संहिता कानून की चर्चा आज ही नहीं हो रही है, कई सालों से होती आ रही है और इस पर चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात भी आई थी। पहले भी शायद लिया जा सकता था पर अब जोर शोर से जितना बीजेपी आगे लेकर आ रही है इस कानून को, क्या लगता है इसका विरोध भी देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए सीएए कानून को लेकर जिस तरीके से देश भर में विरोध देखने को मिला था और काफी दिनों तक ये इस पे धरना प्रदर्शन जारी रहा था, इसको लेकर केंद्र सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। इसलिए उत्तराखंड में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पे लागू किया जाएगा, उस कानून का रिस्पांस देखा जाएगा और केंद्र सरकार के अफसरों को ज्यादा मंथन भी नहीं करना होगा क्योंकि उत्तराखंड का कानून बेहद बारीकी से बनाया जा रहा है। उसमें 2 लाख से अधिक पब्लिक के सुझाव लिए गए, सामाजिक संस्थाओं के सुझाव लिए गए, हर वर्ग का सुझाव लिया गया, जनप्रतिनिधियों का भी सुझाव लिया गया, ऐसे में जहां जो भी आपत्तियां थी उनका निस्तारण भी किया गया है और इसके बाद केंद्र सरकार ये उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट से अहम बिंदुओं को लेकर
फाइनल कानून भी बना सकती है, यही विशेषज्ञों का मानना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी को साझा करने के लिए।